दोस्तों इस ब्लॉग को स्किप मत करना बिल्कुल भी, बिकॉज इस ब्लॉग में बहुत मजा आने वाला है। You look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Hi दोस्तों, welcome back to the new vlog. Day 2 है आज और हम जा रहे हैं गुलमर्ग। अभी चाय वगैरह मंगवा ली है तो पीते हैं और मौसम बहुत ही अमेजिंग हो रहा है, बादल वगैरह आ रखे हैं तो मुझे लगता नहीं आज की धूप वगैरह आएगी, तो आपको मैं थोड़ा सा मौसम दिखाता हूँ आज का। हाय दोस्तों, हम जा रहे हैं सीधा गुलमर्ग। हमने अपने टोस्ट खा लिया था सुबह और चाय पी ली थी, तो ब्रेकफास्ट का प्लान स्किप कर दिया। अभी यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह चल रही है पूरी, पीछे लाल चौक में हम दुकानें सारी यहाँ पे बंद है। आज 10 बज चुके हैं, मुहर्रम का दिन है, तो अभी पकड़ते हैं टैक्सी, चलते हैं सीधा। थोड़ा सा आपको दिखाते हैं बैक कैमरा से व्यू। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं टैक्सी स्टैंड, ऑटो में बैठ चुके हैं। अभी बगल में लाल चौक भी है, घंटा घर जिसे हम बोलते हैं, वहाँ भी जाएंगे तो वहाँ का भी दिखाएंगे। तो भैया अभी हमें लेके जा रहे हैं टैक्सी स्टैंड में, तो चलते हैं। ये आ गया घंटा घर, यहाँ पे आपको थोड़ा सा उतर के भी दिखा देंगे। और बताओ क्या चीज, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी है ये श्रीनगर। G20 का काम चल रहा है इसका। दोस्तों लाल चौक आ चुके हैं, ये रहा घंटा घर, मॉर्निंग व्यू आपके लिए स्पेशल। बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको पूरा का, यहाँ का 360 व्यू दिखाते हैं आपको। अब चलते हैं सीधा ऑटो में अपने। अभी क्या हो रहा है, बारिश का सीन बन चुका है, तो पहले अभी छाता लेने जा रहे हैं, बिकॉज ऊपर पता नहीं छाता मिलेगा नहीं मिलेगा, तो अभी ले लेते हैं। मार्केट के अंदर आ गए हैं, आ गए हम कश्मीर की मार्केट में। छाते हमने दो बाय कर लिए, कितने का बड़ा ही छाता निकल, बड़ा वाला छाता है ये 250 रुपए का, 500 के दो छाते लिए, बट ये है कि एक ही बार इसे यूज करेगा हम एक दो बार, और कश्मीर में ड्रॉप कर देंगे, बिकॉज एयरपोर्ट में ले जा नहीं पाएंगे छाते को। अगर आपको एक्सप्लोर एक्चुअल में करना है तो लोकल ट्रैवल करना बहुत ही जरूरी है, थोड़े से कम्फर्ट कम हो जाता है, बट अगेन ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती है, उन लोगों से बात करने का मौका मिलता है जो यहाँ के लोकल है, तो काफी इंसाइटफुल होता है। श्रीनगर से टांगमर्ग हम छोड़ेगा आपको, उसके बाद सीधा हम जाएंगे गुलमर्ग में, वहाँ से गाड़ी से गुलमर्ग जाओगे। अच्छा, वहाँ से आपको 50-50 रुपए, 50-50 रुपीस गाड़ी मिलेगा आपका पेमेंट करो भाई। तो यार अब हम लोकल टैक्सी में बैठ चुके हैं, हम लोग टांगमर्ग जा रहे हैं, वहाँ से हम एक और गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी गुलमर्ग के लिए, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सफर होने वाला है, लोकल लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं आके। टांगमर्ग हम उतर चुके हैं, मेरे को आ रही है बहुत एक्सट्रीम नींद, 4 घंटे सोए हैं और 6 बजे से अलार्म टन 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 बज रहा था, रात को नींद आ नहीं पाई है। बढ़िया चाय, ये छाता लेके पीकी ब्लाइंडर्स बने बड़े हैं यहाँ पे कश्मीर के, क्या तो बढ़िया चीज। और चाय के क्या क्या होगा, बढ़िया बटर टोस्ट का केक, यार केक बढ़िया, एक पीस केक का कर दे, जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे बर्फ है, जहाँ पे भी आप जा रहे हो ना, अगर गंडोला से भी जाओगे वहाँ पे उतनी ज्यादा नहीं है लेकिन है बर्फ। हाँ, तो गंडोला के लिए टिकट लेनी पड़ेगी। हाँ, गंडोला गुलमर्ग से गंडोला का रास्ता कितना, ऑनलाइन टिकट वो 1.5 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर है। जेके केबल कार, जेके केबल कार, कश्मीरी गाना, कश्मीरी गाना है, बहुत बेहतरीन। और ये मौसम हर बार इतना हस्तुमा होता है या धूप भी आती है, धूप भी आती है, आती है, जाते है। इसीलिए भी छूट जाते हैं, आज मौसम अच्छा है, लेकिन आज मौसम अच्छा है, आज मौसम बहुत प्यारा है, मगर अगर बारिश आ गई तो मजा खत्म, मजा खत्म। छाता लेके आ गए, जब विंड चलती है ना तो छाता क्या काम करेगा भाई, हम चलाएंगे काम इससे, देखना लग रहा है भाई ने वो एक मूवी है जिसमें अक्षय कुमार रहता है, वो चेंजेस मूवी चांदनी चौक पे जाएगा, वही छाता लिया है भाई ने, चांदनी चौक पे चाइना वाला छाता लिया है, छाता नहीं उड़ेगा, छाता नहीं पैराशूट है भाई, जन्नत है जन्नत। And our dream was to give, I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.
दोस्तों फाइनली गुलमर्ग हम पहुंच चुके हैं और पूरा यहाँ पे बादल टाइप कोहरा हो रहा है पूरा का पूरा। बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है यार, मतलब कैमरे में इतना जस्टिस नहीं होगा इस लोकेशन को लेके, बट अमेजिंग व्यू दिखाते हैं आपको। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं जैकेट लेने के लिए रेंटल पे, बिकॉज ठंड बहुत हो रही है। तो जैकेट थोड़ी अच्छी अच्छी नहीं है क्या, फोटो कैसी आई है? तो पुरानी जैकेट है ना, सही नहीं है यार, फटी फूटी है काफी, कंडीशन सही नहीं है उसकी, तो अभी शॉल वगैरह देखते हैं। सर मेरी तो होगी फाइनल, ये वाला लूंगा 1500 कर दूंगा। अंकल ना आपकी ना मेरी 1600 हो गई बात, यही लिया यार शॉल फाइनली, क्योंकि ठंड तो लग रही है। अभी हॉर्स राइडिंग वगैरह करेंगे और क्वालिटी बहुत बढ़िया है शॉल की, क्वालिटी अच्छी है। कश्मीर की शॉल की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो किसकी होगी भाई। बाकी हमने खाने का ऑर्डर लगा दिया। आपने बोला ऑर्डर पहले सुनो सर, वेज मोमोज, वेज मोमोज मिक्स पराठा, पनीर पराठा, पनीर पराठा, अच्छा मोमोज के साथ अनियन, नो टेंशन। कैसा लग रहा है भाई पराठे खा के? बहुत ही बेहतरीन पराठा बना रहे हैं, मजा आ गया। इस मौसम में ऐसे गरम गरम पराठे खा के है, मजा ही आ जाता है, बढ़िया पराठे। दोस्तों ये देखो यार, ये चाय देखो यार, कोल्ड ड्रिंक वाले कप में चाय पी रहे हैं, यहाँ पे इतनी चाय पीते लोग है ना, क्या बात है यार। मुझे लग नहीं रहा मैं इतनी पी पाऊंगा, बट आधी भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। घोड़ा हमने कर लिया फाइनल, तो अभी चाय पीने के बाद निकलते हैं। और पूरा 2 घंटे का हमने करा है, 2 घोड़े करे, 2-2 घंटे की राइड होगी और पूरा मस्त मजा आने वाला है। दोस्तों अभी हम जूते अपने चेंज कर रहे हैं, शूज चेंज कर रहे हैं, हॉर्स राइड में जा रहे हैं। तो अभी शॉप में आए हैं, जूते लेते हैं। हाँ जी भैया, ये हो गए डन। दोस्तों अभी हॉर्स राइड कर रहे हैं यहाँ पे और यार मजा ही आ गया। अपने घोड़े का नाम है राजू और राजू हमें लेके जा रहा है ऊपर। राजू को मैं दिखाता हूँ, राजू घास खा ले, कोई दिक्कत नहीं है यार, खा ले घास खा ले, पानी पीना पानी पी ले भाई, घोड़ों को दिक्कत नहीं होना चाहिए यार यहाँ पे। लेकिन घोड़ों का ध्यान रखा जाता है, ऐसा नहीं है कि ड्रग्स वगैरह दे रहे हो जैसा आप देखते हो रील्स पे। Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, baby we can be okay. दोस्तों अभी हम जा रहे हैं महाराजा पैलेस, ऐसा लग रहा है सपनों की दुनिया में आ गए हैं यार। ये फूल देख रहे हो यार, इस फूलों का मजा ही कुछ और है यार, और ये कलर ही अलग है घास का यार। ये हमारे उत्तराखंड और हिमाचल में थोड़ा डिफरेंट है, बट दिस इज जन्नत। ये पूरी गुलमर्ग वैली है यार, सीरियसली यार, सुना था कश्मीर के बारे में बट आज देख के तो मन ही खुश हो गया। दोस्तों पैलेस जा रहे हैं अब और हमने पहने हुए हैं हॉर्स वाले शूज, बूट्स। चलो भाई, अरे महाराजा पैलेस कहाँ पे, यही है क्या? अच्छा यही है, अरे सही है। चलो जी महाराजा पैलेस आ गए हम, आपको दिखाते हैं। दिस इज महाराजा पैलेस, छोटा सही है बट व्यू देखो यार, क्या बात है। दोस्तों महाराजा पहले से हम घूम चुके हैं अंदर, अब आपको दिखाते हैं बैक कैमरा से यहाँ की ब्यूटी। बहुत ही मस्त बेडरूम से मन कर रहे हैं ऐसे बेडरूम में घर में बना लूँ, पीछे बड़े बड़े पेड़ और डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स, मज़ा ही आ गया। आपको दिखाते हैं बैक कैमरा से व्यू। ये है दोस्तों डाइनिंग रूम टाइप का एरिया और यहाँ से व्यू देखो यार आप, कौन नहीं चाहेगा ऐसी जगह में अपना घर बनाना। बहुत ही प्यारा व्यू है, पूरे फ्लावर्स वहाँ पे लगे हुए। तो कैमरा मैन ने कैमरा पकड़ लिया है, आपको दिखाएगी हर चीज़ फटाफट। ये भी काइंड ऑफ सिटिंग एरिया है अगर आप देखो, और ये देखो यार ये हीटिंग के लिए है, पुराने जमाने का लकड़ी पड़ी हुई छोटी सी, क्या बात है, सारा अरेंजमेंट है। आई डोंट नो क्या है, आप बता रहे हैं मास्टर ड्राइंग। हेलो अंडरग्राउंड भाई, आ जाओ, अंडरग्राउंड नहीं कहते ना,
आपको लेके जाएंगे, आपके साथ ही हम भी पहली बार देख रहे हैं अंडरग्राउंड। हमारे पास खाली 10 मिनट है, हमें कवर करना है। वाओ, ये है हैरी पॉटर वाली बॉल, यहाँ पे मैं घुस जाऊंगा। यार क्या बताऊँ, यहाँ पे ना आना बनता है हर किसी का, जगह इतनी प्यारी है। अगर यहाँ पे नहीं आए ना, अपने लाइफ में बहुत कुछ मिस कर दिया। क्या बोलते हैं भैया इस जगह को, शेफर्ड वैली। क्या व्यू है यहाँ पे, घर देखो यार टॉप में कितने सही लग रहे हैं। जूम करता हूँ आपके लिए, ब्यूटीफुल यार। और ये आप घर देख सकते हो आगे बहुत सारे। ये घर है क्या है भैया जो बने हुए कॉटेजेस? जो कस्टमर होटल अफोर्ड नहीं कर पाता उनको, उनके लिए ये रहता है। अरे क्या बात है यार, क्या व्यू है, क्या सीनिक व्यू है यहाँ का। दोस्तों ये एशिया का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है और यहाँ पे टॉप पे चर्च भी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा करके। दोस्तों ये देखो गोल्फ कोर्स, जो मैंने आपको बताया था एशियाज बिगेस्ट, आपको मैं दिखाता हूँ जूम करके। ये देखो ये लिखा हुआ। अब मुझे भैया ये बताओ, आपने कहा सबसे बड़ा, लार्जेस्ट एशिया का सबसे बड़ा है, यहाँ पे लोग खेल क्यों नहीं रहे फिर? आज तो मौसम अच्छा नहीं है, आज खेलेंगे। वैसे खेलते हैं लोग यहाँ पे टूर्नामेंट है ना। कौन सा सॉन्ग? जी आर ए, वो शाहरुख खान वाला जी आर ए, जी आर ए। दोस्तों चिल्ड्रंस पार्क आ चुके हैं। तो दोस्तों भारत माता की जय, और मैं आपको दिखाता हूँ इंडियन फ्लैग। तो दोस्तों ये हमारा भारत का फ्लैग है, देख के अलग ही खुशी मिल रही है, बहुत ही बढ़िया। और व्यू तो यार आपको अब क्या ही बताए। अमेजिंग दोस्तों यार, दोस्तों ये है चिल्ड्रंस पार्क। दोस्तों राइड्स के पास आ चुके हैं हम। ओहो मजा ही आ गया, कैसा लग रहा है भाई मिनी स्विट्जरलैंड आके? ये मिनी स्विट्जरलैंड, ये क्या बात है भाई, कश्मीर स्विट्जरलैंड क्या है? अब हम कंपैरिजन करेंगे कि स्विट्जरलैंड कश्मीर जैसा है, अब ऐसा होना चाहिए, कश्मीर को स्विट्जरलैंड से कंपैरिजन नहीं करेंगे। You don't understand the pain of brains. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the. दोस्तों मैं कश्मीर इसलिए नहीं आया क्योंकि कश्मीर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। कश्मीर मैं इसलिए आया क्योंकि लोग मुझे बचपन से बोलते आ रहे तो कश्मीरी दिखता है, तो मुझे लगा यार मैं अपना होम टाउन तो देख ही लूँ, कश्मीरी कश्मीरी करते हैं, कश्मीर चीज़ क्या है। मुझे अपना घर बड़ा पसंद आया। दोस्तों चिल्ड्रन पार्क से होते हुए आ रहे हैं, चिल्ड्रन पार्क है तो फेरी टेल वाला पार्क था भाई, मज़ा ही आ गया। तो थोड़ा भाई आराम दो, थोड़ी प्राइवेसी दे दो भाई, मौसम आ रहे। दोस्तों मैंने आपको इस ब्लॉग में गुलमर्ग वैली पूरी दिखा दी है, तो अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। Gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I delusional?